बर्ताक की खबर की और फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में एक पत्नी ने अपने ही पति को उसी के घर में बंधक बनाकर अपने परिवार के लोगों से जमकर पिटवाया। राकेश पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उस पर शक करती है, जिसे लेकर उसने अपने मायके से लोगों को बुलाया और घर में बंधक बनाकर उसे बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद राकेश बुरी तरह से घायल हो गया है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में राकेश ने पुलिस को सूचना देकर पत्नी और उसके परिवार के लोगों पर कार्यवाही करने के लिए शिकायत दी है। वहीं इस मामले में राकेश की पत्नी संजू ने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि उसका पति राकेश किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में है, जिसके बारे में कई बार पूछे जाने पर भी नहीं बताया, जिसे लेकर घर में 3 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। वह इस पूरे मामले पर पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि थाने में पति पत्नी दोनों तरफ से शिकायत मिली है और मामले में जिस तरह से कार्यवाही बनती है उस तरीके से कार्यवाही की जाएगी। वालों दे देता हूँ भाई सुने, उसके बाद उसने क्या करा, उसने वो बोली ही रहेगा तुम मेरे पास, रहने के बाद इतने में ही वो बंदे आ जाते हैं, 3-4 लड़के और कम से कम 3-4 लेडीज, उन्होंने अंदर ही घेर लिया मुझे कमरे के। कौन है वो लोग जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है? वो हैं इसके मायके वाले, इसके भाई, इसकी बहन, माँ और एक अतवा से है वो लड़का। तो इस तरह से जानलेवा हमला क्या है आप पे, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई वारदात? जानलेवा हमला होता है मेरे साथ, ये कई घटना हो चुकी है, कम से कम 4-5 घटना हो चुकी है मेरे साथ। पुलिस को शिकायत दी है क्या? पुलिस को शिकायत दी है, मैंने पहले 3 बार चौकी में चला गया हुआ हूँ मैं। तो सीसीटीवी कैमरे में भी आते जाते नजर आ रहे हैं, पर क्या पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से? अब घर तक वो पुलिस अभी गई। पति हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको घर में बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करी है, क्या था ये पूरा मामला? जी कुछ भी नहीं, उस दूसरी लेडीज कर रखी है इसने, वहाँ इसका जीजा कह रहा है मैं रखूंगा और ये कह रहा है मैं रखूंगा, वहीं पे मारपीट हुई है इनकी, कहीं जंगल उंगल पता नहीं कहाँ पे हुई है। और मुझे ये भगाना चाहता है, 10 साल से इसने मुझे निकाल रखी है घर से, और जो 6 आदमी आए थे और 4 औरत आई थी मुझे मारने के लिए, यहाँ आथा पाई की है खूब घर में उस लेडीज ने, और खुद मेरा पति मुझे लिकड़वाना चाहता है। तो कुछ सीसीटीवी कैमरे वीडियो भी है जिस तरह से वो यहाँ पर आए थे? जी मेरे कैमरा तो चालू नहीं है, पड़ोस इनके तो हैं शायद। तो क्या कुछ मामला है, आरोप जो जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं उस हिसाब से जो झूठे आरोप लग रहे हैं आपके? राकेश और उसके परिवार वाले आए थे और केवल एक मेडिकल की कह के हम मेडिकल करवाने जा रहे हैं चले गए थे, और इन्होंने अभी तक कोई लिखित दरखास्त पुलिस को नहीं दी है। परसों इसकी मिसिज ने एक दरखास्त दी थी कि मेरे पति ने 2 वाइफ रख रखी हैं और उसको भी एक बच्चा पैदा कर रखा है, इतना उन्होंने बताया था। और उसने ये बताया था कि जो दूसरी इसके पति की पत्नी है वो इसके घर के सामने आके और गली में हंगामा करके गई थी, इनको धमकियों पर दे के गई थी। मामले की जांच अभी चल रही है, इसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार अमल में लाई जाए। सर कुछ सीसीटीवी कैमरे विजुअल भी सामने आ रहे हैं जहाँ कुछ लोग घर के सामने पहुंचे हैं, महिला से बातचीत कर रही, क्या था ये? ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ उस महिला ने बताया था कि जो वो दूसरी लेडीज है वो इनके घर के सामने आई थी और बवाल करके गई थी। क्या कह रहा है पुलिस?